नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत ने वेस्ट इंडीज को 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अहमदाबाद में रविवार को खेले गए इस ऐतिहासिक वनडे में बॉक्सिंग गटन सुंदर ने विंडीज के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर खूब नचाया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर उंगली की चोट के कारण पिछले करीब 5 महीने से क्रिकेट से दूर थे। वॉशिंगटन इसके कारण T20 विश्व कप में भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन तमिलनाडु के स्पिनर ने कहा कि उन्होंने इस समय को खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जो उनके हाथ में था। वॉशिंगटन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, काफ़ी सारी चुनौतियाँ थीं, लेकिन मैं बतौर क्रिकेटर खुद में सुधार करने के लिए जो कुछ कर सकता था वो करना चाहता था, यही मेरे हाथ में था और मैं इसी पर ध्यान लगाए था। T20 विश्व कप के बाद COVID-19 के कारण साउथ अफ्रीका की फ्लाइट चूकने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, हाँ, चुनौती हमेशा बनी रहेंगी। पिछले 2 वर्षों में विशेषकर मैंने यही महसूस किया है, लेकिन मायने नहीं रखता है कि मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाता हूँ। खुद को सुधार करते रहना अहम है। मैंने इस पर ध्यान लगाने की कोशिश की। मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान विंडीज टीम 43.5 ओवरों में 176 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 28 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। कप्तान रोहित शर्मा ने 60 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं सुंदर के अलावा युजवेंद्र चहल ने भी 4 विकेट लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।